हमारा ब्रह्मांड विशालकाय है और यह फैलता ही जा रहा है, इसका विस्तार होता ही जा रहा है। इस समय भी जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, हमारा ब्रह्मांड कई सारे नए ग्रहों की रचना कर रहा है। जब ब्रह्मांड में इतने सारे ग्रह हैं, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि और किसी ग्रह में जीवन संभव नहीं है। वैज्ञानिकों का भी ऐसा मानना है कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी से मिलते जुलते कई सारे ग्रह होंगे और उन ग्रहों में भी जीवन की संभावनाओं को टाला नहीं जा सकता। इन ग्रहों में रहने वाले जीव को एलियन कहा जाता है। आज हम आपको एलियंस से जुड़े कुछ ऐसे प्रूफ दिखाएंगे जिसे देखकर आपके मन में भी एलियंस की मौजूदगी का शक दूर हो जाएगा। ये वीडियो खास आपके लिए बनाया गया है, जिसमें आपको कई रहस्यमय जानकारी और फैक्ट मिलेंगे के अंदर एलियंस के डाउट को क्लियर कर देंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूले। पहला है पिक्चराइज एलियन। 2011 में अचानक से किसी अज्ञात व्यक्ति ने इंटरनेट पर एक वीडियो अपलोड किया और कुछ ही मिनटों में वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इस वीडियो में एक ग्रे कलर का जीव दिखाई दे रहा था जो इंसानों से शारीरिक बनावट में अलग दिख रहा था। यह किसी एलियन के जैसा प्रतीत हो रहा था। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि यह कोई मूवी या टीवी सीरीज का प्रमोशन है। बहुत सारे लोगों ने इसे क्रिएटेड वीडियो कहा, जैसा कि मेकअप या VFX से किसी इंसान को एलियन का लुक दिया गया हो। और कई सारे वीडियो एनालिस्ट ने इसकी जांच की, लेकिन कोई भी यह सबूत नहीं दे पाया कि यह वीडियो नकली है। वह इंसान आज भी अज्ञात है जिसने ये वीडियो डाली थी। अगर आप भी एलियंस के एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। बेल्जियन UFO व्यू। 1989 में बेल्जियन के आसमान में अचानक एक रोशनी सी दिखाई देने लगी जो आसमान में हवर कर रही थी। उस रात कई लोगों ने आसमान में एक ऐसी उड़ती चीज देखी जो कि ना प्लेन था, ना हेलीकॉप्टर, ना कोई रॉकेट। यह चीज ट्रायंगल शेप की थी। यह घटना सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार हुई, इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने उस UFO का पीछा करने के लिए फाइटर जेट्स अपॉइंट करे। लेकिन जब भी कोई फाइटर जेट उस UFO के करीब जाता तो वह अपनी स्पीड को 240 किलोमीटर से बढ़ाकर 1800 किलोमीटर पर घंटा कर देता। एक सेकंड में वो आसमान के एकदम ऊपर चला जाता और अगले ही सेकंड में वो आसमान के नीचे चला जाता, जिससे उस UFO के पास भी पहुंचना मुश्किल हो गया था। उस समय पृथ्वी में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि इतनी ज्यादा स्पीड किसी एयरक्राफ्ट को मिल सके। अब आपको यह बात सुनकर आश्चर्य होगा कि इस UFO को एक दो नहीं बल्कि 14,780 लोगों ने देखा था। अगला है अननोन UFO टर्की। टर्की में रात के समय अचानक एक UFO दिखाई दिया। यह बात 2007 की है। आपको बता दें कि इस UFO के फुटेज इतने क्लियर थे कि हम उसके अंदर एलियन को भी देख सकते थे। बाद में न्यूज़पेपर में जब इस घटना का जिक्र हुआ तो ये वीडियो सारी दुनिया में वायरल हो गया। कई सारे लोगों ने इसे एक फेक और क्रिएटेड वीडियो कहा। जब होजे ऑडेंस्को, जो कि एक वीडियो एनालिस्ट है, उन्होंने इसकी जांच की तो यह पाया कि यह वीडियो 100% ओरिजिनल था। इसके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया था। बाद में इस वीडियो को रशिया और जापान के वीडियो एक्सपर्ट्स को भी दिखाया गया, जिन्होंने इसके सही होने की बात मानी। कुछ लोगों ने यह दलील भी दी कि यह किसी शिप का अपर डेस्क का हिस्सा है। लेकिन अगर यह शिप का अपर डेस्क का हिस्सा होता तो यह इतने ऊपर हवा में क्या कर रहा था। उसके बाद आता है फर्स्ट UFO स्पॉटेड। 1950 में एक किसान की पत्नी जिसका नाम एवलिन ट्रेंट था, वो अपने गार्डन में रैबिट को खाना खिला रही थी, जिसने उस समय आसमान में एक उड़ती हुई चीज देखी जो कि आसमान में मंडरा रहा था। उसने अपने हस्बैंड को बुलाया और उसके हस्बैंड ने अपने कैमरे से इसकी तस्वीर खींच ली। जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह शेप में गोल है। इसकी तस्वीर इतनी साफ थी कि इसे कई न्यूज़पेपर में छापा गया। बाद में विलियम हार्टमैन, जो एक गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का इंटरव्यू लिया और उस फोटो की जांच की और इस बात को माना कि यह फोटो बिल्कुल असली है और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। क्या आप भी एलियंस के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हो, या फिर आपको भी लगता है कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, तो इसमें जरूर कई ऐसे जीव जंतु, कई ऐसे एलियंस रहते होंगे जो कि हमारी तरह इंटेलिजेंट है, जो कि हमारी तरह दूसरे ग्रह में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे एलियन इस दुनिया में मौजूद हैं तो कमेंट कर अपने राय जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।